मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सबका स्वागत है। आज मन की बात की शुरुआत युवा देश के युवा, वो गर्मजोशी, वो देशभक्ति, वो सेवा के रंग में रंगे नौजवान, आप जानते हैं ना, नवंबर महीने का चौथा रविवार हर साल एनसीसी डे के रूप में मनाया जाता है। आमतौर पर हमारी युवा पीढ़ी को फ्रेंडशिप डे बराबर याद रहता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको एनसीसी डे भी उतना ही याद रहता है। तो चलिए आज एनसीसी के बारे में बातें हो जाए, मुझे भी कुछ यादें ताजा करने का अवसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो एनसीसी के सभी पूर्व और मौजूदा कैडेट्स को एनसीसी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह कैडेट रहा हूँ और मन से भी आज भी अपने आप को कैडेट मानता हूँ। यह तो हम सबको पता ही है कि एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में भारत के एनसीसी एक है। यह एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों ही शामिल है। लीडरशिप, देशभक्ति, सेल्फलेस सर्विस, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, इन सबको अपने कैरेक्टर का हिस्सा बनाने, अपने हैबिट्स बनाने की एक रोमांचक यात्रा, मतलब एनसीसी। इस जर्नी के बारे में कुछ और अधिक बातें करने के लिए आज फोन कॉल से कुछ नौजवानों से, जिन्होंने अपने एनसीसी में भी अपनी एक जगह बनाई है, आइए उनसे बातें करते हैं। साथियों, आप सब कैसे हैं? जय हिंद प्रधानमंत्री जी। जय हिंद। सर, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर तरन्नुम खान है। तरन्नुम, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ सर। अच्छा, तो एनसीसी में कितने साल, कैसे कैसे अनुभव रहे आपके? सर, मैं एनसीसी में 2017 में भर्ती हुई थी एंड ये 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं सर। वाह, बहुत सुनकर के अच्छा लगा। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा सबसे अच्छा अनुभव जो रहा, हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में रहा था। हाँ, ये हाँ। हमारा कैंप अगस्त में हुआ था, जिसमें NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बच्चे भी आए थे। उन कैडेट्स के साथ हम 10 दिन के लिए रहे। हमने उनका रहन सहन सीखा, हमने देखा कि उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर। हमने उनसे ऐसी कई सारी चीजें सीखी, जैसे वाइजो में का मतलब होता है हेलो। वैसे ही हमारी कल्चरल नाइट हुई थी, उसके अंदर उन्होंने हमें अपना डांस सिखाया, तहरा कहते हैं उनके डांस को। और उन्होंने मुझे मेखाला पहनना भी सिखाया। मैं सच बताती हूँ, उसके अंदर बहुत खूबसूरत हम सभी लग रहे थे, दिल्ली वाले एज वेल एज हमारे नागालैंड के दोस्त भी। हम उनको दिल्ली दर्शन पर भी लेके गए थे, जहाँ हमने उनको नेशनल वॉर मेमोरियल और इंडिया गेट दिखाया। वहाँ पे हमने उनको दिल्ली के चाट भी खिलाई, भेलपूरी भी खिलाई, लेकिन उनको थोड़ा तीखा लगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया हमको कि वो ज्यादातर सूप पीना पसंद करते हैं, थोड़े उबली हुई सब्जियां खाते हैं, तो उनको खाना तो इतना भाया नहीं। लेकिन उसके अलावा हमने उनके साथ काफी पिक्चर्स खींची, काफी हमने अनुभव शेयर करे अपने। आपने उनसे संपर्क बनाए रखा है? जी सर, हमारे संपर्क उनसे अब तक बने हुए हैं। चलिए, अच्छा किया आपने। जी सर। और कौन है साथी आपके साथ? जय हिंद सर। जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर श्रीहरि जी भी बोल रहा हूँ। मैं बेंगलुरु कर्नाटका का रहने वाला हूँ। और आप कहाँ पढ़ते हैं? सर, बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु में ही है? यस सर। बताइए सर, मैं कल ही यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सिंगापुर से वापस आए थे। अरे वाह, तो आपको मौका मिल गया वहाँ जाने का? यस सर। कैसा अनुभव रहा सिंगापुर में? सर, वहाँ पे 6 कंट्री आए थे, जिनमें था यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, ब्रुनेई, हांगकांग और नेपाल। जहाँ पे हमें कॉम्बैट लेसन्स और इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेस का एक्सचेंज सीखा था। जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस कुछ ही अलग था सर, जिनमें से हमें वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज सिखाया था, और वाटर पोलो टूर्नामेंट में इंडिया टीम जीत हासिल किया था सर। और कल्चरल में हम ओवरऑल परफॉर्मर्स थे सर। हमारा ड्रिल और वर्ड ऑफ कमांड बहुत अच्छा लगा था सर उनको। आप कितने लोग थे हरि? 20 लोग सर। हम 10 बॉय 10 गर्ल थे सर। यही भारत के सभी अलग अलग राज्य से थे? हाँ सर। चलिए, आपके सारे साथी आपके अनुभव सुनने के लिए बहुत आतुर होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और कौन है आपके साथ? जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम है सीनियर अंडर ऑफिसर विनोले किसो। मैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नागालैंड स्टेट का है सर।
हाँ विनोले बताइए क्या अनुभव है आपका। सर मैं सेंट जोसेफ कॉलेज जखमा ऑटोनोमस में पढ़ाई कर रहे हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स में। मैंने 2017 साल में एनसीसी ज्वाइन किया और ये मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छी डिसीजन था सर। एनसीसी के कारण हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला है? सर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और बहुत सीखी था और मैंने अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिली थी और मेरा एक एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताना चाहता है। मैंने इस साल 2019 जून महीने से एक कैंप अटेंड किया, वो है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और वो सातोले कॉलेज कोहिमा में हेल्ड किया। इस कैंप में 400 कैडेट्स ने अटेंड किया। तो नागालैंड में सारे आपके साथी जानना चाहते होंगे हिंदुस्तान में कहाँ गए, क्या क्या देखा, सब अनुभव सुनाते हो सबको? यस सर। और कौन है आपके साथ? जय हिंद सर, मेरा नाम जूनियर अंडर ऑफिसर अखिल है। हाँ अखिल बताइए। मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ सर। हाँ मैं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मुझे एनसीसी में सबसे अच्छा डिसिप्लिन लगा है सर। वाह, इसने मुझे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया है सर। एनसीसी कैडेट की ड्रिल यूनिफॉर्म मुझे बेहद पसंद है। कितने कैंप करने का मौका मिला, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला? सर मैंने 3 कैंप किए हैं सर। मैं हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में अटैचमेंट कैंप का हिस्सा रहा हूँ। कितने समय का था? सर ये 13 दिन का कैंप था सर। अच्छा सर, मैंने वहाँ पर भारतीय फौज में अफसर कैसे बनते हैं उसको बड़े करीब से देखा है और उसके बाद मेरा भारतीय फौज में अफसर बनने का संकल्प और ज्यादा दृढ़ हुआ है सर। वाह। और सर मैंने रिपब्लिक डे परेड में भी हिस्सा लिया था और वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। शाबाश। मेरे से ज्यादा खुशी मेरी माँ थी सर। जब हम सुबह 2 बजे उठकर राजपथ पर प्रैक्टिस करने जाते थे तो जोश हम में इतना होता था कि वो देखने लायक था। बाकी फोर्सेस कंटिजेंट के लोग जो हमें इतना प्रोत्साहित करते थे, राजपथ पर मार्च करते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे सर। चलिए, आप चारों से बात करने का मौका मिला और वो भी एनसीसी डे पर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी बचपन में मेरे गांव के स्कूल में एनसीसी कैडेट रहा था, तो मुझे मालूम है कि ये डिसिप्लिन, ये यूनिफॉर्म, उसके कारण जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये सारी चीजें बचपन में मुझे एक एनसीसी कैडेट के रूप में अनुभव करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। कि आप भी एक एनसीसी का हिस्सा रहे हैं? कौन, विनोले बोल रही हो? यस। हाँ विनोले बताइए। क्या आपको कभी भी पनिशमेंट मिली थी? इसका मतलब कि आप लोगों को पनिशमेंट मिलती है? हाँ। जी नहीं, मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि मैं बहुत ही एक प्रकार से डिसिप्लिन में मानने वाला था। लेकिन एक बार जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, जब हम कैंप में थे तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था, तो पहले तो ऐसा ही लगा कि मैंने कोई कानून तोड़ दिया है, लेकिन बाद में सबको ध्यान में आया कि वहाँ ये पतंग की डोर में एक पंखी फंस गया था, तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ चढ़ गया था। तो खैर पहले तो लगता था कि मुझ पर कोई डिसिप्लिन एक्शन होंगे, लेकिन बाद में मेरी बड़ी वाहवाही हो गई, तो इस प्रकार से एक अलग ही अनुभव आया मुझे। ये जान के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। मैं तरन्नुम बात कर रही हूँ। हाँ तरन्नुम बताइए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जी, जी 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 बताइए। सर आपने अपने संदेशों में हमें कहा है कि हर भारतीय नागरिक को 3 सालों में 15 जगह तो जाना ही चाहिए। आप हमें बताना चाहेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए और आपको किस जगह जाके सबसे अच्छा महसूस हुआ था? वैसे मैं हिमालय को बहुत पसंद करता रहता हूँ हमेशा, लेकिन फिर भी मैं भारत के लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर आपको प्रकृति से प्रेम है, घने जंगल, झरने, एक अलग ही प्रकार का माहौल देखना है, तो मैं सबको कहता हूँ आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए, मैं हमेशा बताता हूँ। और उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा, इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को भी वहां मजबूती मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान में हर जगह पे बहुत कुछ देखने जैसा है, अध्ययन करने जैसा है और एक प्रकार से आत्मसात करने जैसा है। प्रधानमंत्री जी, मैं श्रीहरि बोल रहा हूँ। जी हरि बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक पॉलिटिशियन ना होते तो अब क्या होते?
अब ये तो बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि हर बच्चे के जीवन में कई पड़ाव आते हैं। कभी ये बनने का मन करता है, कभी वो बनने का मन करता है। लेकिन ये बात सही है कि मुझे कभी राजनीति में जाने का मन नहीं था, न ही कभी सोचा था। लेकिन अब पहुंच गया हूं, तो जी जान से देश के काम आऊं उसके लिए सोचता रहता हूं। और इसलिए अब मैं यहां न होता तो कहां होता, ये सोचना ही नहीं चाहिए मुझे। अब तो जी जान से जहां हूं वहां जी भर करके जीना चाहिए, जी जान से जुटना चाहिए और जमकर के देश के लिए काम करना चाहिए। न दिन देखनी है न रात देखनी है, बस यही एक मकसद से अपने आप को मैंने खपा दिया है। प्रधानमंत्री जी, आप जी दिन में इतने बिजी रहते हो, तो मेरी ये जिज्ञासा थी जानने की कि आपको टीवी देखने का, फिल्म देखने का या किताब पढ़ने का समय मिलता है? वैसे मेरी किताब पढ़ने की रुचि तो रहती थी, फिल्म देखने की कभी रुचि भी नहीं रही। उसमें समय का बंधन तो नहीं है और न ही उस प्रकार से टीवी देख पाता हूँ, बहुत कम। कभी कभी पहले डिस्कवरी चैनल देखा करता था जिज्ञासा के कारण, और किताबें पढ़ता था, लेकिन इन दिनों तो पढ़ नहीं पाता हूँ। और दूसरा, गूगल के कारण भी आदतें खराब हो गई हैं कि किसी रेफरेंस को देखना है तो तुरंत शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, तो कुछ आदतें जो सबकी बिगड़ी है, मेरी भी बिगड़ी है। चलिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, और मैं आपके माध्यम से एनसीसी के सभी कैडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, बहुत धन्यवाद थैंक यू। प्रधानमंत्री जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।